सेवन्थ क्लास आपको मैंने रिवीजन वर्कशीट 2 दी थी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को कई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ एक्स परसेंटेज ऑफ 75 इज 12, देन फाइंड एक्स। एक्स निकालना था तो परसेंटेज हमेशा नीचे जाएगी, 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 75 एज इट इज़, 12 एज इट इज़। एक्स निकालना है तो ये जो 100 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो 75 ऊपर था आपके साथ मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 25 के टेबल में 100 4 पर, 25 के टेबल में 75 3 पर, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कट गया 4 पर, तो 4 जा 16, तो 16 हो जाएगा हमारा x की परसेंटेज, ठीक है, 16%। अगला क्वेश्चन है, 7/4 एक नंबर दिया हुआ था आपको, फ्रैक्शन दी हुई थी जिसको परसेंटेज में लेके आना था आपको। 7/4 को यदि मुझे परसेंटेज में लेके आना तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से नीचे, नीचे वाला जो 100 है उसको सर्कल डाल देंगे क्योंकि वो बाद में परसेंटेज बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 7/4 मल्टीप्लाई 100, 4 के टेबल में 100 आ गया 25 पर, तो 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175% हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड, आपको SP गिवन था और गेन परसेंटेज गिवन थी, आपको CP कॉस्ट प्राइस निकालना था आपको। तो जब हमें SP गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है, देन हमारा फार्मूला होगा SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर SP की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 1440 मल्टीप्लाई 100 वाई में 100 प्लस पी, 100 प्लस पी का मतलब 20 ऐड कर देंगे, 120 हो जाएगा। 10 से 10 कट गई, 12 के टेबल में 14 1 पर, 2 बच गया, 2 4 के साथ लगा 24, 12 के टेबल में 24 2 पर, तो 12 आंसर आ गया। आप यदि इसको काटना नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 3300 रुपीज़ और लॉस परसेंटेज गिवन है। अब हमारे को SP निकालना है, SP का फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100, ठीक है। CP की जगह पर आपका CP की वैल्यू हो जाएगी 1300 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 में से लॉस परसेंटेज डिडक्ट करो, 10 माइनस करोगे तो 90 बाय 100, 20 से 20 कट गई, 33 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 2970 रुपीज़। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि 4500 रुपीज़ 5715 रुपीज़ बन जाएंगे 3 सालों में, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जब आपको प्रिंसिपल भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है, देन आपको SI निकालना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास आ गया 1215। SI पता है, टाइम भी पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू टी। तो SI की जगह पर SI लिख देंगे, 100, P की वैल्यू दी हुई है 4500 और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। 20 से 20 कट जाएंगी, 45 की टेबल में जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, 3 की टेबल में 27 आ गया 9 पर, तो 9% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9% में 4500 रुपीज़ 5715 रुपीज़ बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, बट टाइम डेज में दिया हुआ था, तो डेज में जब भी टाइम दिया हुआ हो तो आपको जितने डेज होते हैं एक ईयर में उससे डिवाइड करना है, जब आपको ईयर में हो जाएगा आपका कन्वर्ट। तो 73 को जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 ईयर्स हो जाएंगे, हमारा आंसर जो आएगा ईयर में हो गया, हमेशा टाइम ईयर में होना चाहिए, ठीक है, पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P × R × T/100, P की वैल्यू हो गई ये वाली, R की वैल्यू ये वाली, टाइम 1/5 में अलग से लिख लेंगे बाय 100, 20 से 20 कट कर देंगे, 5 के टेबल में 45, 9 पर, 9 × 8 = 72, तो अमाउंट हो जाएगा 4500 रुपीज़ में 72 ऐड कर देंगे तो 4572 रुपीज़, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 3600 रुपीज़ और वो बन गए हैं 4320 रुपीज़, ठीक है, कितने टाइम में बने हैं, तो इसका मतलब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है, 8%। अब जब भी आपको अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है तो SI निकालोगे, अमाउंट में इससे प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके, 720 आ गया। अब टाइम निकालने का फार्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाय P × R, ठीक है, P और R से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, 720 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, P की वैल्यू है 3600 और R की है 8, तो पुट कर दी सब वैल्यूज़, 20 से 20, ठीक है, 36 की टेबल में 72 आता है 2 पर और 10 बची है वो भी लग जाएगी, 20 आ गया, ठीक है। 4 की टेबल में ये 2 पर और 20 आ गया 5 पर, तो 5/2 आंसर बचेगा, 5/2 का मतलब क्योंकि टाइम निकालना है ईयर्स में आएगा तो 2.5 ईयर्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये जो अमाउंट है 4320 रुपीज़ बन जाएगी। सेवन्थ क्लास बेटा, आप सभी ने अपना जो काम भेजा हुआ है इस वीडियो के अकॉर्डिंगली सभी बच्चे अपना काम चेक करेंगे खुद ही, और जो भी सेल्फ करेक्शंस हैं
वो ठीक करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को और ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं बार बार इन क्वेश्चंस पे स्ट्रेस डाल रही हूँ। इस क्वेश्चन की पकड़ बनाइए आप कि टाइम कैसे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, एसपी कैसे निकालना है, सीपी कैसे निकालना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।